ग्राम प्रधान के भ्रष्टाचार को लेकर पंचायत सदस्यों एवं ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। प्रधान मीना देवी को अपदस्थ कर ग्राम में ग्राम पंचायत कमेटी को गठित किए जाने की मांग। पंचायत सदस्यों एवं ग्रामीणों ने जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी को गांव के विकास के लिए प्रधान को हटाकर कमेटी गठित किए जाने की मांग। खबर कानपुर देहात से है। विकासखंड डेरापुर के ग्राम पंचायत मवई मुक्ता गांव में मीना देवी प्रधान है, लेकिन प्रधान पति पंकज सचान पर भ्रष्टाचार के दर्जनों उदाहरण हैं। पंचायत सदस्यों ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान पति प्रधानमंत्री आवास पर पहले 10,000 रुपये की मांग कर रहा है, रुपये न देने पर आवास कैंसिल करने की धमकी दे रहा है। इतना ही नहीं, शौचालय के नाम पर ग्राम प्रधान पति 2,000 रुपये की मांग करता है। प्रधान के भ्रष्टाचार को लेकर मवई मुक्ता गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। पंचायत सदस्यों का कहना है कि आज तक कोई भी ग्राम पंचायत की खुली मीटिंग नहीं हुई। ग्राम प्रधान फर्जी हस्ताक्षर बनाकर कोरम को पूरा करते हैं। ग्राम पंचायत सदस्यों ने एकजुट होकर ग्राम प्रधान मीना देवी को अपदस्थ कर ग्राम पंचायत की कमेटी गठित किए जाने की मांग की है। किस गांव रहती है? मवई मुक्ता में। क्या समस्या है? हमारे यहाँ पे घर भी नहीं है, मड़िया रखी है, नहीं राशन कार्ड है। इस समस्या को तुमने प्रधान जी से कहा? कहा था। क्या कहते पहले हैं? पैसे मांगते, बोलते 10,000 रुपए दो, आगे खाने को है नहीं, पैसे कहाँ से दे देंगे उनको। प्रधान जी 10,000 रुपए मांगते हैं? हाँ। क्या नाम आपका? शिल्पी देवी। कहाँ रहती हैं? मवई मुक्ता। क्या समस्या है? आवास के लिए। आपका कच्चा मकान है? हाँ, पूरा कच्चा है। तो आवास मिला नहीं अभी तक? नहीं मिला, करते हैं तो प्रधान के पास जाते हैं, प्रधान जी कहते हैं हमारे उसमें कुछ नहीं, अपना दौड़ो धूपो करो जाकर। और क्या प्रधान जी पैसा भी मांगते? हाँ, कहते हैं हमारे पास है ना, जब दोगे तभी तो हम कराएंगे, हम कहाँ दौड़े धूपे। कितना रुपया मांगते? 10,000। तो आपने दिए अभी तक? नहीं, हमारे पास है नहीं तो हम देंगे कहाँ से, गिर जाता फिर उसी को उठाते हैं। आपका नाम? वीरेन्द्र कुमार शुक्ला। कहाँ रहते हो? ग्राम मवई मुक्ता। आप ग्राम पंचायत के सदस्य हैं? जी है, मैं वर्तमान में ग्राम पंचायत सदस्य हूँ वार्ड नंबर 6 से। अभी तक जो है शुक्ला जी, आपके ग्राम पंचायत में खुली बैठकें कितनी हुई हैं? खुली बैठक एक भी नहीं हुई है आज तक। आज तक कोई बैठकें नहीं हुई, न किसी सदस्य को ये जानकारी हुई, न किसी को बुलाया गया, न कोई मीटिंग है। जो भी हो रही हूँ अपने हिसाब से फर्जी तरीके से, भले कुछ चल रहा हो सिग्नेचर वाला काम हो, ऐसे अगर आपको सही जानकारी करना तो आप पूरे गाँव में घूम करके आप ये मालूम कर लीजिए, यहाँ की पब्लिक सब बता देगी कि एक भी मीटिंग नहीं, एक भी आदमी अगर ये कह देगी यहाँ कोई मीटिंग हुई है। मैं क्या, अगर हमें तो लोग कह सकते हैं, झूठ भी कह सकते हैं, लेकिन आप पब्लिक से जानकारी कर लो। अच्छा, तो बिना मीटिंग के ये प्रस्ताव कैसे विकास कार्य पास हुए हैं? ये तो हम लोगों को पता ही नहीं कि कौन से प्रस्ताव पास हुए, क्या हुआ, कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, जब कोई मीटिंग नहीं हुई। और ग्राम पंचायत जो सचिवालय बना है ना, आज तक वो जो है वहाँ पे कोई मीटिंग हुई, जो सचिवालय बनता है वहीं पे होनी चाहिए, न सेक्रेटरी आया, न पंचायत सहायक आया, कितनी मीटिंगें हुई, कब हुई, कैसे हुई, तो ये सब यहाँ चल रहा है इस तरीके से। इसके माने जो है ग्राम प्रधान फर्जी हस्ताक्षर से मीटिंग गोपनीय करता है? बिल्कुल करते होंगे, बिल्कुल 100% जो है। अब उसमें कानूनी प्रक्रिया के तहत, क्योंकि यहाँ पे लिखित माना जाता है, तो लिखित अगर यहाँ ग्राम पंचायत मवई मुक्ता की सन 2015 से लेकर के 2023 तक की अगर उच्चाधिकारी जांच करवा दें तो उसमें एक नहीं कई अधिकारी फंसेंगे और संभवतः 100% हमारा विश्वास है कि जेल जाएंगे। इसके माने काफ़ी यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है? अरे इतना बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है कि कुछ पूछो ना। यहाँ तो लोग डरते हैं प्रधान के सामने बुराई लेने से, मुँह खोलने से, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं कि वो पता नहीं क्या क्या जो है फंडा अपनाम है और किस तरीके से सब वही गुंडागर्दी जो है चलता है। लेकिन मैं तो नहीं डरता हूँ, सीधी सी बात, सत्य बात कहने में क्या है, कुछ नहीं। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयती उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर आर के उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।